बीजेपी के पिछवाड़े में सदर राज लग जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जब चेयर जलता है ना, कुर्सी जब उनका जलता है तो इसी तरह से वो बुखला जाते हैं। जिस तरह से पंचायत में सेंट्रल फोर्स देने के बावजूद भी, सेंट्रल फोर्स के साथ साथ रुपया और पैसा बांटने के बावजूद भी वो फेलियर हो गए, इसीलिए हम अमित शाह जी ने देखा है कि बंगाल में फिर से एक नई लहर लाना है। और लहर क्या रहेगा? झूठ का लहर। आपने देखा होगा 2024 लास्ट दिन है, लास्ट साल है। 2024 के बाद भाजपा नजर नहीं आएगा आपको, क्योंकि जब पब्लिक इनको चारों बगल से घेर रहा है तो ये कह रहे सरकार गिरा देंगे। एक दो बार सुबंधु अधिकारी भी गिर गए। कभी उत्तर प्रदेश में, कभी मणिपुर में, कभी कर्नाटक में, जगह जगह में दंगा 2014 के बाद से शुरू हुआ है। मैं आपको ये भी बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, उनके पार्टी के लोग MP सांसद ये लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। मैं तो सबसे पहले बता दूं कि अनुराग ठाकुर के वजह से जितना दंगा हुआ है उनको अपने पार्टी से हटा देना चाहिए। नीपुर शर्मा के वजह से जो दंगा हुआ है उनको अपने पार्टी से हटा देना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे भारतीय जनता पार्टी में राजा सिंह जैसे MLA, उनको तो सबसे पहले हटा देना चाहिए। आप राष्ट्रपति शासन लागू की बात कर रहे हैं, सरकार जा रहा है बंगाल में, ममता बनर्जी शेरनी का जगह है। यहाँ पर हमारे सरकार जो है ना, वो मिला बटे सरकार नहीं है भैया, ममता बनर्जी फूल बहुमत में आई हुई सरकार है। ममता बनर्जी जनता की, आम जनता की सरकार है। ममता बनर्जी रुपया पैसा लेकर के नहीं आई है, ये एक महाराज को दिखाया, आपको दिखाया जाएगा कि 2024 के बाद जो हमारा MP इलेक्शन है उसमें भारतीय जनता पार्टी को बंगाल से तो उम्मीद है एक सीट नहीं मिलेगा। और उम्मीद है, आपका चैनल का नाम है द इंडियन खबर, आप पूरा देश घूमते हैं। मैं आपको बता दूं कि पूरा भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का एक सीट बचा हुआ नहीं रहेगा। और वो कुर्सी है, अमित शाह जी को बंगाल का खाना बहुत पसंद है। अच्छा। अमित शाह जी जब भी यहाँ आते हैं तो हमारा इलिश मछली देखे होंगे आप, खाए भी होंगे। आप कलकत्ता में आए हैं तो जरूर देखिएगा, इलिश मछली खाते हैं थोड़ा दांत चाप के, क्योंकि उनका दांत मचा नहीं है, उम्र हो भी गया है। यहाँ आते हैं इलिश माछ खाने के लिए, इलिश माछ खाते हैं रातों रात निकल जाते हैं। और खाली बड़ा बड़ा भाषण देते हैं जरूर, मगर कहाँ देते हैं, खाली मैदान में, मैदान में भीड़ होता नहीं है। और गोदी मीडिया आपका तरह, आप नहीं मैंने गोदी मीडिया चैनल फोकस करता है उनके चेहरे पर, सिर्फ टकला चमकता है। और वो कहते हैं अब की बार दीदी को छोड़ा नहीं जाएगा। भैया दीदी को बोलते बोलते PM भी बना दो, दीदी को बोलते बोलते तुम आने वाले वक्तों में पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व करने जा रही है ममता बनर्जी। उखड़ के फेंका जाएगा, क्या कह रहे हैं भैया? सुनिए, आप बार बार बोल रहे जाएगा क्या जाएगा, 5 महीने में सरकार जाएगा, कौन कह रही है, कौन कह रही है? भाजपा है कहाँ बंगाल में? बदलाव हो चुका है, क्योंकि बंगाल से ही लहर उठ चुका है। और ये लहर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाएगा, ये लहर यहाँ से लेकर के मोदी से जो चेयर लगा है ना, वो चेयर रहने वाला नहीं। चैनल ही दिखा पाएगा अंदर का बात। उनके जितने भी MP है ना, वो सब हमारे संपर्क में, माने हमारे पार्टी के संपर्क में है। एक ही बात कह रहे हैं, मोदी जी से माल लेंगे, काम तो आपसे लेंगे दीदी, हम भी आपके साथ हैं। और सुनिए, आपने कहा हमारी बंगाल को, बंगाल एक अमन का जगह है, मगर इनके दिल से पूछिए कि ममता बनर्जी के राज में इनके लड़की को रूपश्री मिला 25,000 में। इनके दिल से पूछिए कि ममता बनर्जी के राज में इनको मारा नहीं गया। अगर बीजेपी को यहाँ मारते हम लोग तो बीजेपी नजर आता, बीजेपी का झंडा नजर आता, ना CPM का झंडा नजर आता, बताइए। तो आप लोग छोड़ दे रहे हैं? अरे भैया छोड़ काहे नहीं देंगे, ये भले ही कर रहे हैं लाल झंडा, मगर वोट तो दे रहे तृणमूल को, हमें सिर्फ वोट चाहिए और सेवा इनको हम देते रहेंगे। अच्छा, आप बताइए कि आपका क्या नाम है भाई? अमर मल्लिक। मल्लिक जी, तो सावन चल रहा है, मुसलमानों के साथ घूम रहे, तो कैसा तो नहीं, तो कोई दिक्कत है बंगाल में तो ऐसा? नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी। ममता बनर्जी की जिस तरह से जीत हुई पंचायत इलेक्शन में, उससे भाजपा बौखलाई है। भाजपा के एक जो है मंत्री है, या कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार के एक सांसद जिसका नाम है जॉन बारला, उसने कहा है कि पश्चिम बंगाल में आर्टिकल 355 लग जाना चाहिए, यानी इमरजेंसी लग जाना चाहिए, सदर राज यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। जिसके बाद भाजपा के यहाँ के सुकांतो मजुमदार, फिर उसके बाद शांतनु ठाकुर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार 6 महीना में गिर जाएगी और अगस्त में अमित शाह यहाँ आ रहे, क्योंकि यहाँ पर उनका मानना है कि बहुत ज़्यादा दंगे हुए
हुए, लोग मरे, लोग तो मरे मगर पहली बार ऐसा नहीं है। सीपीएम के सरकार में भी लोग मरे थे, कांग्रेस के टाइम पे भी लोग मरे थे। तो चुनाव, पंचायत चुनाव बंगाल का हमेशा से थोड़ा सा खून में रहा है, मगर इस मरतबा जो आंकड़ा वो कम भी रहा, ये बात है। शहबाज भाई, सबसे पहले कि जॉन बारला ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार पूरे इस मामले में फेलियर रही है, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन यानी के सदर राज लग जाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूं जॉन साहब से कि भैया कभी बंगाल आए हैं, बंगाल का दौरा किया है, ठीक से बंगाल में रहे हैं आप, कि बंगाल की धरती और बंगाल में रहने वाले लोगों के बारे में बोल रहे हैं। आज पूरा बंगाल एक अमन और शांति का जगह है, पूरे हिंदुस्तान में मैं गर्व से कहता हूँ अगर कोई जगह है जहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एक साथ रह करके तमाम फेस्टिवल को मनाते हैं, एक साथ रह करके एक आपस में भाईचारगी रखते हैं, तो अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर सिटी आता हो तो सिटी का नाम है कोलकाता ऑफ जॉय, और स्टेट का बात आए तो स्टेट का नाम है मगरबी बंगाल माने वेस्ट बंगाल, हमारा बंगाल। अच्छा, तो बीजेपी क्यों कह रही है कि यहाँ पर सदर राज यानी इमरजेंसी लगा देना चाहिए? बीजेपी के पिछवाड़े में सदर राज लग जाना चाहिए, क्योंकि उनका जब चेयर जलता है ना, कुर्सी जब उनका जलता है तो इसी तरह से वो बुखला जाते हैं। जिस तरह से पंचायत में सेंट्रल फोर्स देने के बावजूद भी, सेंट्रल फोर्स के साथ साथ रुपया और पैसा बांटने के बावजूद भी वो फेलियर हो गए, इसीलिए हम अमित शाह जी ने देखा है कि बंगाल में फिर से एक नई लहर लाना है, और लहर क्या रहेगा, झूठ का लहर। आपने देखा होगा 2021 में, आपका चैनल भी दिखा रहा होगा शायद, आप गोदी मीडिया नहीं होंगे, माफी चाहूंगा मैं आपसे, शायद आप गोदी मीडिया नहीं है, चाहे आपका जो द इंडियन खबर है ये गोदी मीडिया नहीं है, बल्कि जितना भी गोदी मीडिया था पूरे दिखा रहा था कि बंगाल जल रहा है, बंगाल सुलग रहा है, ये पोर्ट है, पोर्ट में एक दिन आर प्लस आया था और आर भारत भी आया था, आकर के इसी जगह पर कह रहा था भूई क्लास के गेट में कि ये जो है मिनी पाकिस्तान है। लो कर लो बात, कर लो बात। अरे भाजपा का सोच छोटा सोच है, भाजपा करने वाले लोगों का सोच छोटा है। एक खिदिरपुर, ये बंगाल का एक छोटा सा सरजमी है खिदिरपुर, इस खिदिरपुर में जहाँ एक तरफ हमारा हिंदू भाई हमारे फेस्टिवल में अफ्तार पार्टी का इंतजाम करता है, रोजेदार को अफ्तार कराता है, दूसरे तरफ सावन के महीने में हम लोग भी जगह जगह पर कैंप लगा करके उनको सेवा देते हैं, ये हमारा बंगाल। सदर राज क्या लगना चाहिए, लगता है आपको कि ममता बनर्जी का फेलियर रहा है पंचायत चुनाव? भैया आपको कहीं लग रहा है कि बंगाल जल रहा है? आप तो बहुत जगह घूमते हैं, आपको कहीं लगा बंगाल जल रहा है? आपको कहीं लगा सदर राज लगाना चाहिए? यहाँ अगर लगाना चाहिए तो मणिपुर में लगाना चाहिए था, क्यों नहीं लगाए? मणिपुर आज भी जल रहा है, आपको मालूम होगा जिस तरह से यूपी में, बिहार में, बिहार को छोड़ दीजिए भाई, उसमें उनका भी कोशिश हो रहा है, एनर्जी को बदनाम किया जा रहा है और कह रहे हैं कि 5 महीने में सरकार गिर जाएगी, तो क्या सरकार सच में गिर जाएगी या सरकार गिरा देगी 2024 में ममता बनर्जी? ए भैया 2024 लास्ट दिन है, लास्ट साल है, 2024 के बाद भाजपा नजर नहीं आएगा आपको, क्योंकि जब पब्लिक इनको चारों बगल से घेर रहा है तो ये कह रहे सरकार गिरा देंगे। एक दो बार सुबंधु अधिकारी भी गिर गए हैं, एक दो बार ये जो मिले ना मुजुमदार जी भी गिर गए हैं, और पंचायत इलेक्शन में पूरा इनका कैंडिडेट भी गिर गया है, गिरने के बाद भी बोल रहे सरकार गिरा देंगे, किसका सरकार गिराएंगे? ये दीदी का राज है, दीदी के राज में स्वास्थ्य साथी कार्ड मिलता है, दीदी के राज में फ्री राशन भी मिल रहा है, ये दीदी का राज है भैया, यहाँ आपका सरकार गिरना नहीं है। सुनिए, सरकार गिरना इनका पुराना डायलॉग है, पुराना डायलॉग, पहले वो था ना आपका पुराना बहुत सारा डायलॉग है, डायलॉग याद नहीं आ रहा, कोई ना कोई फिल्म का, ये भी फिल्म का डायलॉग है। अच्छा, ये भी फिल्म का डायलॉग है, और बराबर आता है इनका, हर साल इनका नया नया डायलॉग स्टार्ट होता है, उसमें एक डायलॉग मार देते हैं ये लोग, कहते हैं सरकार गिरा देंगे, मगर जब ये बात कहते हैं तब इनका सरकारी फिसल जाता है, इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में हर एक स्टेट में हल्का हल्का करके इनकी सरकार फिसल रही है और सरकार जा रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी शेरनी का जगह है, यहाँ पर हमारे सरकार जो है ना वो मिला बटे सरकार नहीं है भैया, ममता बनर्जी फुल बहुमत में आई हुई सरकार है, ममता बनर्जी जनता की, आम जनता की सरकार है, ममता बनर्जी रुपया पैसा लेकर के नहीं आई है, ये महाराष्ट्र नहीं है जहाँ महाराष्ट्र में आपने देखा होगा एकते सिन्हा बिचारा बीजेपी का साथ दिया, देने के बाद उनका ही चेयर घिसक गया, तो वहाँ चेयर घिसकेगा बंगाल में नहीं। अमित शाह अगस्त में पश्चिम बंगाल यानी अगले महीने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बंगाल की सिचुएशन को वो गौर से देख रहे हैं। सुनिए, अमित शाह जी को बंगाल का खाना बहुत पसंद है, अमित शाह जी जब भी यहाँ आते हैं तो हमारा इलिश मछली देखे होंगे आप, खाए भी होंगे,
आप कलकत्ता में आए हैं तो जरूर देखिएगा। इलिश मछली खाते हैं थोड़ा दांत चाप के, क्योंकि उनका दांत मचा नहीं है, उम्र हो भी गया है। यहाँ आते हैं इलिश माछ खाने के लिए, इलिश माछ खाते हैं रातों रात निकल जाते हैं, और खाली बड़ा बड़ा भाषण देते हैं जरूर, मगर कहाँ देते हैं, खाली मैदान में, मैदान में भीड़ होता नहीं है। और गोदी मीडिया आपका तरह, आप नहीं मैंने गोदी मीडिया चैनल फोकस करता है उनके चेहरे पर, सिर्फ टकला चमकता है, और वो कहते हैं अब की बार दीदी को छोड़ा नहीं जाएगा। भैया दीदी को बोलते बोलते पीएम भी बना दो, दीदी को बोलते बोलते तुम आने वाले वक्तों में पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व करने जा रही है ममता बनर्जी। अच्छा एक मिनट तौसीफ भाई, ये है कि अभी जैसे ममता बनर्जी का सरकार में पश्चिम बंगाल चुनाव हुआ, जीती ममता बनर्जी, स्वीप जीती, मगर भाजपा कह रही है कि यहाँ पर इमरजेंसी लगा देना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी आप लोगों ने किया। देखिए मैं आपको बता दूँ, इन लोगों को जीत का, तृणमूल कांग्रेस जिस तरीके से जीत हासिल की है, ये खुशी उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर तृणमूल कांग्रेस दंगा कराती, 38 लोग मारे गए हैं, ये 38 लोग में आपको पता है 25 लोग हमारे भाई बहन थे। तो बेचारे, कोई कह रहा भाजपा का है, कोई कह रहा सीपीएम, आप लोग कह रहे हैं ये 25 लोग हमारे भाई बहन थे, जिसका दुख आज हमें भी है, क्योंकि हमारे 25 लोग हमारे कार्यकर्ता चले गए। और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की ये अलग नीति है, 2014 के बाद हमारा देश पूरा बर्बादी के कगार में खड़ा है। और मैं आपको बता दूं, ना के मैं कल कभी भी दंगाई के साथ था, ना दंगा के साथ हूँ। मैं आपका दंगाई हमेशा से दंगाई है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, 2014 के बाद से हमारा देश में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी मणिपुर में, कभी कर्नाटक में, जगह जगह में दंगा 2014 के बाद से शुरू हुआ है। मैं आपको ये भी बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, उनके पार्टी के लोग एमपी सांसद ये लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए, मैं तो सबसे पहले बता दूं कि अनुराग ठाकुर के वजह से जितना दंगा हुआ है उनको अपने पार्टी से हटा देना चाहिए, नीपुर शर्मा के वजह से जो दंगा हुआ है उनको अपने पार्टी से हटा देना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे भारतीय जनता पार्टी में राजा सिंह जैसे MLA, उनको तो सबसे पहले हटा देना चाहिए। आप राष्ट्रपति शासन लागू की बात कर रहे हैं, 5 महीना और है TMC की सरकार, भाजपा ने कहा है 5 महीना नहीं। मैं आपको बता दूं, TMC की सरकार आज भी है, कल भी रहेगी, आने वाले इतिहास में भी रहेगी, और 2024 के बाद आपको दिखाया जाएगा कि 2024 के बाद जो हमारा MP इलेक्शन है उसमें भारतीय जनता पार्टी को बंगाल से तो उम्मीद है एक सीट नहीं मिलेगा, और उम्मीद है आपका चैनल का नाम है द इंडियन खबर, आप पूरा देश घूमते हैं। मैं आपको बता दूं कि पूरा भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का एक सीट बचा हुआ नहीं रहेगा, और वो कुर्सी उखड़ के फेंका जाएगा। क्या कह रहे हैं भैया, सुनिए सुनिए सुनिए, आप बार बार बोल रहे जाएगा जाएगा, क्या जाएगा, 5 महीने में सरकार जाएगा, कौन कह रही है, भाजपा कह रही है, भाजपा है कहाँ बंगाल में, 70 सीट है उसके पास बंगाल में, क्या 70 सीट है, ये जो 70 सीट है ये माल से खरीदा हुआ सीट है, ये जो 70 सीट है काला नोट जो हमारे और आपका पॉकेट का नोट जो है, ये कभी GST के शक्ल में जो इनको हम लोगों ने पे किया है, हमारा वो पैसा है, ये सारा कभी PM केयर के फंड का पैसा है, उनसे ये खरीदे हुए MLA हैं, और आप इनके लिए कह रहे जाएगा जाएगा, ये जो 70 MLA बचा है ना, और उनका 16 MP था, ये चला जाएगा। अरे भैया 16 बोलिए, 18 का है बोल रहे हैं आप, सब आएगा ममता बनर्जी के उन्नयन में। अब आपको बता दें अंदर का बात, आपका चैनल ही दिखा पाएगा अंदर का बात, उनके जितने भी MP है ना वो सब हमारे संपर्क में, माने हमारे पार्टी के संपर्क में है, एक ही बात कह रहा है, मोदी जी से माल लेंगे, काम तो आपसे लेंगे दीदी, हम भी आपके साथ हैं। और सुनिए, आपने कहा हमारी बंगाल को, बंगाल एक अमन का जगह है, और बंगाल में हम लोग मारने की राजनीति नहीं करते, वहाँ भाई CPM कभी करते थे, इधर आइए भैया एक मिनट आइए, देखिए ये कभी CPM करते हैं, ठीक है, अच्छा ये हॉकर के लीडर हैं, ये CPM करते हैं, मगर इनके दिल से पूछिए कि ममता बनर्जी के राज में इनके लड़की को रूपेश्री मिला 25,000 में, इनके दिल से पूछिए कि ममता बनर्जी के राज में इनको मारा नहीं गया, अगर BJP को यहाँ मारते हम लोग तो BJP नजर आता, BJP का झंडा नजर आता, ना CPM का झंडा नजर आता, बताइए तो आप लोग छोड़ दे रहे हैं। अरे भैया छोड़ काहे नहीं देंगे, ये भले ही कर रहे हैं लाल झंडा, मगर वोट तो दे रहे तृणमूल को, हमें सिर्फ वोट चाहिए और सेवा इनको हम देते रहेंगे। अच्छा आप बताइए कि आपका क्या नाम है भाई? अमर मल्लिक।
मलिक जी तो सावन चल रहा है, मुसलमानों के साथ घूम रहे, तो कैसा तो नहीं, तो कोई दिक्कत है? बंगाल में तो ऐसे करते, कहां जा रहा है हिंदुस्तान? हिंदुस्तान की जनता जानती है, इनका बेटा 5,000 रुपया लेकर के उतरता है। आपने देखा होगा एक आर्टिकल में लिखा है, और अगर गूगल है तो सर्च कर ले, 50,000 में एक कंपनी शुरू हुआ अमित शाह के बेटे जय शाह का, और आज 5,000 करोड़ बन गया। मेरा भाई भी एक हिंदू भाई है, इसको 50,000 दे के 5,000 करोड़ कर लेंगे, आप कर लेंगे 5,000 करोड़? कोई नहीं कर पाएगा, तो इनका बेटा कहाँ से करेगा भाई? बदलाव है 24 में भैया, 100% बंदा बदलाव हो चुका है, क्योंकि बंगाल से ही लहर उठ चुका है, और ये लहर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाएगा, ये लहर यहाँ से लेकर के मोदी जो नीचे जो चेयर लगा है ना, वो चेयर रहने वाला नहीं। तो 2024 का चुनाव है, साथ ही साथ ममता बनर्जी को ऊपर एलिगेशन बहुत लग गया। ममता बनर्जी को लेकर भाजपा ने कहा है कि यहाँ पर सदर राज इमरजेंसी लग जाना चाहिए, मगर इसके साथ आपको सोचना होगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अतीक के साथ पुलिस की मौजूदगी में होता है, मध्य प्रदेश में किसी दलित लड़का के ऊपर कोई ऊपर जाति का आदमी पेशाब कर देता है तो उस पर सदर राज की बात नहीं, मगर यहाँ पर अगर कुछ हो जाए तो सदर राज लगता है। दूसरी तरफ विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई है, जिसमें ममता बनर्जी सोनिया गांधी इतने करीब नजर आ रहे थे, जिसके बाद भाजपा की बौखलाहट बढ़ी है और उन्होंने जो है अपने पार्टी का एक बड़ा मीटिंग 38 पार्टियों के साथ जोड़ा है। तो डर इस बात का है कि डरा हुआ कौन है। एक तरफ महागठबंधन है, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सभी लोग मिलकर लड़ रहे हैं, जिसमें तकरीबन 15 लोग शामिल है, 15 पार्टियां शामिल है, मगर भाजपा में 38 पार्टियां शामिल है। तो क्या कुछ देश की हालात बदल रहे, लोगों से हमने पूछा राय जाना, लोगों ने अपनी बात रख रही, फिर जुड़ेंगे दूसरे अपडेट के साथ, बताएंगे कि पश्चिम बंगाल को लेकर क्या कुछ बदल रहा और 24 में क्या बदल रहा है। भैया एक बात आ रहा है, हाथ जोड़ के गुजारिश है, गोदी मीडिया तो सच नहीं दिखाता है, मगर आप दिखा दिया कीजिए भाई। अच्छा। हमें उम्मीद है कि शायद आपका चैनल के माध्यम से हमारी बंगाल की संस्कृति के सच्चाई को पूरे हिंदुस्तान देख ले। बस द इंडियन खबर, सच आपके सामने।